देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। ये जैसा कि आप सभी को विदित है कि महाराजगंज में पुलिस द्वारा एक नया प्रयोग किया गया था कि हमारे विगत 10 वर्षों के जितने भी गुमशुदा बच्चे हैं या लापता वयस्क है उनको दोबारा से खोजने के लिए एक ऑपरेशन तलाश चलाया गया था, जिसमें एक 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, जिसमें हमारे 2 उपनिरीक्षक, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल, एक महिला आरक्षी और एक सोशल मीडिया सेल के आरक्षी लगे थे। इस टीम द्वारा 1 महीने की एक एक्सरसाइज की गई, जिसमें विगत 10 वर्षों के कुल 27 मुकदमों के अभी तक बरामदगी शेष लोग तथा 103 वयस्क जो गुमशुदा थे, कुल 130 लोगों की बरामदगी हेतु प्रयास किया गया था। इस पूरे प्रयास के पश्चात लगभग 38 लोगों को पुलिस टीम द्वारा उनका या तो बरामद कर दिया गया है या उनका लोकेशन निकाल कर उनके परिवार से उनको मिलाया गया है और शेष 92 लोगों पर लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस पूरी टीम द्वारा एक डोजियर बनाया गया है पीडीएफ फॉर्मेट में, जो अब सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सभी जगह सर्कुलेट किया जाएगा तथा डीसीआरबी के माध्यम से अन्य सभी जनपदों में तथा जितने भी हमारे शेल्टर होम हैं वहां पे भेजा जाएगा, ताकि और अगर किन्हीं के माध्यम से संपर्क हो पाए तो जो लोग अपने परिवारों से बिछड़े हुए हैं उनको हम वापस इनके परिवारों से मिलाने का यह प्रयास लगातार जारी रखेंगे। और इसमें मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी पूरी टीम को और साथ में हमारे सभी मीडिया के बंधुओं को कि आप लोगों के सहयोग से ही ये पूरा एक जो मिशन है जहां तक भी पहुंच पाया आपके कारण ये सफल हुआ है और आने वाले समय में भी लगातार इसे हम सतत रूप से जारी रखेंगे और समय समय पर टीम का गठन करके जो शेष लोग हैं इनकी बरामदगी का प्रयास करें। वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।